ऑरेंज ट्रेन बे यारो मददगार, तामीराती काम बंद, ठेकेदारों ने डेरा गुजरान डिपू और स्टेबलिंग यार्ड पर तामीराती काम रोक दिया। जेड के बी कंपनी की जानिब से तनख्वाहों की अदम अदायगी, इंजीनियर्स और अमले का काम करने से इनकार। चाइनीज कंपनीज या नरेंको ने टेस्ट रन के लिए 3 माह मांग लिए। खाली ट्रेन 3 माह तक पटरी पर चलाई जाएगी। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में ताखीर, चीफ जस्टिस बरहम, अहले लाहौर को मुश्किल से आजाद कराना है, मुझे टाइम फ्रेम चाहिए, ठेकेदारों को भागने नहीं देंगे चीफ जस्टिस, 90% से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका, बाकी काम चाइनीज ने करना है, 3 से 4 माह लग सकते हैं, नुमाइंदा हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी, चेक बाउंस होने पर चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी फाइनेंस को पेश होने का हुक्म, नई हुकूमत को साफ बता दें कुछ भी हो जाए मंसूबा मुकम्मल होगा चीफ जस्टिस। सुल्तान जो चाहता है करता रहा, हर मामले में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पंजाब सोसाइटी को फंड्स इस कानून के तहत दिए। पीकेएलआई प्रोजेक्ट की एकिंग से मंजूरी नहीं ली, अरबों रुपए की बंदर बांट की गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस का पीकेएलआई के सरबरा का नाम तजवीज करने का हुक्म। खैबर पीके में कानून देखा, यहां कोई कानून नहीं, जस्टिस इजाजुल हसन के रिमार्क्स। आशियाना इकबाल स्कैंडल में फवाद हसन फवाद का अहम इंकशाफ, शहबाज शरीफ ने तारिक बाजवा को आशियाना इकबाल के ठेके से मुतालिक इंक्वायरी की हदायत की। फवाद हसन फवाद का नैब इंक्वायरी में बयान, गवर्नर स्टेट बैंक साबिक एमडी इंजीनियरिंग सर्विसेज करामतुल्लाह चौधरी ने बयान रिकॉर्ड कराया। हमजा शहबाज के पंजाब असेंबली में बतौर अपोजिशन लीडर कागजात जमा, ख्वाजा इमरान नजीर ने कागजात जमा कराए। नून लीग ने कभी पार्लियामेंट पर लानत नहीं भेजी। इमरान खान जिसको डाकू कहते थे उसे स्पीकर बना दिया। आसिफ जरदारी की मजबूरियां, नवाज शरीफ की कोई मजबूरी नहीं, ख्वाजा इमरान नजीर की गुफ्तगू। पंजाब में कौन कौन वजीर फाइनल लिस्ट आ सकी, पंजाब का सीनियर वजीर कौन होगा, फहरिस्तें रोजाना तब्दील होने लगी। इब्तदाई वजीरों की फहरिस्त में अब्दुल अलीम खान, मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल, परसों फहरिस्त फाइनल होने का इम्कान। आबिद बॉक्सर की 4 सितंबर तक तमाम मुकदमात में बुरी जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज ने 4 सितंबर तक आबिद बॉक्सर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। आबिद बॉक्सर के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। वकील फाइव प्लान फेल, जानवरों की आलाइशें ईद के तीसरे रोज भी सड़कों और चौराहों में मौजूद, ताफून उठने लगा, शहरियों का गुजरना मुहाल, LWMC का शहर से 36,000 टन आलाइशें उठाने का दावा, शहरी गंदगी से परेशान, चेयरमैन LWMC का सफाई ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान, बारिश के बाद सफाई ऑपरेशन मुतासर हुआ, डिप्टी कमिश्नर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। शहर में हर तरफ गंदगी ही गंदगी, लोगों ने ओजड़ियां, बकरों की सिरियां, आंतें और कचरा ड्रेन में डाल दिया। गुलबर्ग ड्रेन गंदगी से भर गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज सिस्टम बंद। ये माई में नजर रंबो रंबो जान रंबो गंद किलर, तो आपने भी गंद को मारना है, हमने भी मारना है। माई नेम इज रैम्बो रैम्बो, लाहौर को साफ और शफाफ बनाने का आज़म, जॉन रैम्बो सबसे आगे, जामिया नईमिया में सफाई मुहिम में शिरकत, पानी से सहन को साफ किया, अब तक 36 कुर्बान गाहों की सफाई कर चुके, रैम्बो की गुफ्तगू। ईद
के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। इनफरादी के साथ शहर भर में इज्तमाई कुर्बानियां, मुस्तहकीन में गोश्त तकसीम। गोश्त खोरी मेदों पर पड़ गई भारी, लाहौरी ईद पर गोश्त पर टूट पड़े। 3,100 मरीज सरकारी अस्पताल में जा पहुंचे। म्यू अस्पताल 800, जिना अस्पताल 600, सर्विसेज 550, गंगाराम 450 और जनरल अस्पताल में 650 मरीज दाखिल। मेदे साफ करने के बाद बेशतर अफराद डिस्चार्ज। सिरिपाए भूनने पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी, इंतजामिया एक्शन, 42 अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ थानों में 40 मुकदमा दर्ज। 8 मकामात को सील करके 40 गैस सिलेंडर जब्त कर लिए। लाइफ स्टॉक और इंतजामिया की बेहिसी, गर्मी और हब से खाले खराब। मजमुई तौर पर 1,32,00,00,000 रुपए की खाले जमा, 45% खाले खराब। चमड़ा मंडी में ईद के तीसरे रोज खालों की फरोख्त ना होने के बराबर। बैल और बछड़े की खाल 1,500 से 1,700 और बकरे की खाल 200 रुपए में फरोख्त। ईद खत्म होने को आई, चोरों डाकुओं की ईदी मुहिम खत्म ना हुई। इचरा की फैमिली को ईद मनाने गोजावाला जाना महंगा पड़ गया। अशरफिया पार्क में चोरी की बड़ी वारदात, चोर 100 तोले सोना और 1.5 लाख नकदी लूट कर फरार। पुलिस ने तहाल मुकदमा दर्ज ना किया, पुलिस तआवुन नहीं कर रही, मुतासरीन का इल्जाम। खत्म मगर तलबा की ईद बाकी है। स्कूल्स और कॉलेजेस खुल गए, तलबा की हाजिरी सिर्फ 30%, असातिज़ा की हाजिरी भी कम। यूएटी भी खुल गई, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कॉलेज फॉरमेन यूनिवर्सिटी के सिलसिले में ताहाल बंद। सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की 25% हाजिरी कम। बड़ी ईद पर चिड़ियाघर की बड़ी ईदी, 3 रोज में 77,000 अफराद ने चिड़ियाघर की सैर की। इंतजामिया को 29 लाख रुपए की आमदनी, पहले दिन 7,000, दूसरे दिन 30,000 और तीसरे दिन 40,000 अफराद मनपसंद जानवर देखने आए। बाकी है दोस्तों, मटन कड़ाही और बीफ पुलाव पर हाथ साफ करने के बाद शहरियों का तफरीही गाहों का रुख। जलानी पार्क और गुलशन इकबाग में चहलकदमी, बच्चों का हल्ला गुल्ला, मौज मस्तियां। हो दिल वेख वेख के कुड़दाए सुन लोर तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दाए सुन लोर तेरे ते मर्दानी। बड़ा पीस तो बड़ा टैट है। सब गुड़िया उड़ाने में मस्त थे और हम लूटने में। बचपन से प्यार करता हूँ जी आपसे। जब तक तेरी बेबी बाजी की शादी नहीं होती, अपनी शादी का सोचना भी ना। और ईद पर लॉलीवुड फिल्मों की धूम, सिनेमा घरों में खिड़की तोड़ रश। जवानी फिर नहीं आनी 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट, 2 रोज में 5,39,00,000 का बिजनेस। परवाज है जुनून का 2,15,00,000 और लोड वेडिंग पर 90,00,000 की कमाई।